हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम यूपी टेट के सीरीज में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा को नाम कहा जाता है। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, राप्ती। तो मोहन यहाँ पे व्यक्ति है, दिल्ली जो है स्थान है, और राप्ती जो है एक गंगा है। तो ये सब जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा जाति समूह का बोध कराती है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। इसी में जो फर्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से सामग्री, पदार्थ का बोध होता है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेकेंड इसी में आता है समूहवाचक संज्ञा, तो जिससे समूह का बोध हो, जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, समिति, परिवार, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। थर्ड नंबर पे जो है हमारा भाववाचक संज्ञा, तो जिससे भाव, गुण, दोष का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा इत्यादि, ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। तो गाइस, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।